press the bell icon, never miss an update from Student Gabri. Hey guys, कैसे हो आप सब? मैं हूँ ज्योति और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टूडेंट खबरी की पाठशाला में। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे कॉलेज के ऊपर रिव्यूज़ लेकर आई हूँ जिसके बारे में बहुत लोगों ने कमेंट किया है, बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या इसके रिव्यूज़ हैं, कैसा कॉलेज है, क्या वहाँ के स्टूडेंट्स बता रहे हैं इस कॉलेज के बारे में। तो मेनली इस कॉलेज का नाम है SVV इंदौर, जिसका फुल फॉर्म है श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय। तो इसके बारे में मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव क्या पॉइंट है, कैसे एडमिशन होता है, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ इसमें। मेनली ये इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और 2015 में ही इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और अप्रूवल की भी बात करूँ अगर तो ये UGC से अप्रूवल इनको दिया गया है। एग्रीडिटेशन भी इनको NBA के थ्रू दिया है। यहाँ का जो कैंपस है 52 एकर्स में फैला हुआ है, तो लगभग हर फैसिलिटी जो कि एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड है वो सब यहाँ पे दी जाती हैं। जैसे कि नॉर्मल ये लैब वगैरह की फैसिलिटी हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, कैफेटेरिया हो गया, सेंट्रल लाइब्रेरी हो, मेडिकल की फैसिलिटी हो, स्पोर्ट्स की हो, हॉस्टल वगैरह, ये सब बेसिक जो फैसिलिटी होती है यहाँ पे कैंपस के अंदर प्रोवाइड की जाती है। मेनली अगर मैं इस कॉलेज का पॉजिटिव पॉइंट अगर लूँ कुछ तो ये बोल सकते हो आप कि इनका कोलैबोरेशन बहुत है, भले ही वो टेक्निकल कोलैबोरेशन हो या तो स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज के लिए इनका कोलैबोरेशन हो। तो बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज़ यूनिवर्सिटी के साथ इनका कोलैबोरेशन किया हुआ है, जैसे कि इनका IBM प्राइवेट लिमिटेड टेक्निकल कोलैबोरेशन इनका है, रेड हैट इंडिया से भी इनका कोलैबोरेशन किया गया है और बहुत से NCSSS के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है। तो ऐसे ही बहुत यूनिवर्सिटी हो या तो कंपनीज़ हो उनके साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है। मतलब तो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी रेगुलर बेसिस में होता है, एलुमिनाई और स्टूडेंट का नेटवर्क अच्छा है यहाँ पे, तो आप पॉजिटिव पॉइंट में इसको ले सकते हो आप। बाकी अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे BTech करवाया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ भी होते हैं और बहुत से कोर्सेज ऐसे करवाए जाते हैं यहाँ पे, PhD लेवल के कोर्सेज होते हैं। BTech ऐसा बोला जाता है कि 26 स्पेशलाइजेशन में यहाँ पे कोर्स होता है, CS IT मैकेनिकल जितने भी हों बहुत सारे स्पेशलाइजेशन में कोर्सेज होता है। मैंने नीचे डिस्क्राइब किया, उसमें ईजिली देख सकते हो कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में यहाँ कोर्सेज करवाए जाते हैं। बाकी ये भी बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है क्योंकि बहुत कोर्स तो ऐसे हैं कि इतनी ज़्यादा डिमांड में नहीं रहते हैं, फालतू के ही आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ठीक है इंक्लूड करना है तो वो हो गए हैं, तो आप वो एज अ नेगेटिव पॉइंट ले सकते हो। भले ही 26 यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है लेकिन उसमें से 8 से 10 ही वर्थ वाइल आप बोल सकते हो, उनके लिए ही ज़्यादातर प्लेसमेंट्स आती हैं, अच्छी कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए, बाकी के लिए इतने अच्छे नहीं आते हैं। बाकी अगर आपको एडमिशन यहाँ लेना है तो ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, कॉमनली जो हर कॉलेज के एडमिशन के लिए करना रहता है, फॉर्म वगैरह करना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन करना रहता है, फिर उसके हिसाब से एडमिशन होता है। ऑफलाइन भी आप जाके कॉलेज में जाके ले सकते हो एडमिशन, और भी यहाँ पे इजी कैसे एडमिशन लो अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे हम लोगों ने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उसमें कॉल कर सकते हो, तो आपको सब कुछ बताया जाएगा कि ईजिली आपको एडमिशन कैसे मिलेगा किसी भी इंस्टीट्यूट में, या तो इस इंस्टीट्यूट में कैसे मिलेगा ईजिली एडमिशन, तो वो भी आपको पूरा कन्वीनियंट वे बताया जाएगा, तो आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हो ईजिली। बाकी यहाँ की अगर प्लेसमेंट की बात करूँ कि मेन फैक्टर की प्लेसमेंट यहाँ का कैसा है, तो यहाँ का जो एवरेज पैकेज गया है वो 3-4 लाख तक ही गया है, हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 12 लाख तक जा चुका है। तो आप प्लेसमेंट के लिए बोल सकते हो कि प्लेसमेंट यहाँ का एवरेज ही है, इतना ज़्यादा खास नहीं है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट कहीं ना कहीं कौन सा आ जाता है कि प्लेसमेंट के लिए ही बच्चा कॉलेज चूज़ करता है और इतना अच्छा प्लेसमेंट यहाँ नहीं आता है। बाकी पॉजिटिव कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं कि एलुमिनाई नेटवर्क अच्छा है, एक दो और भी क्लियर कर दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका मेंटेन रहता है, अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर इनका। कॉन्स में भी मैं 2-3 पॉइंट कवर कर चुकी हूँ। एक और इनका कॉन्स है कि फूड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना होगा, इतना अच्छा मैस का फूड भी इतना अच्छा नहीं है। अगर आउट ऑफ 10 की स्केल में रेटिंग की बात करूँ तो इसको आप 6-7 ही बोल सकते हो आउट ऑफ 10, पूरा मिला के, अकोमोडेशन हो, प्लेसमेंट हो, सोशल लाइफ हो, सब कुछ मिला के। तो आई थिंक मैंने पूरा कवर कर लिया है SVV इंदौर के बारे में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वर्थ लगी हो तो आप लाइक कर देना हमारे वीडियो को। अगर आप इस कॉलेज के बच्चे रह चुके हो या तो आप पढ़ रहे हो तो अपने रिव्यूज़ डालना। हमने एक फॉर्म भी दिया है, कॉमन फॉर्म है वो, और व्हाट्सअप नंबर है, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उसमें अपने रिव्यूज़ बताना। वो चीज़ हिडन रहेगी, रिवील नहीं होगी आपकी इन्फॉर्मेशन बेसिकली। वो रिव्यूज़ एक्चुअली मैं अगले वीडियोज़ में और इन्फॉर्मेशन बाकी बच्चे जो कि चाह रहे हैं इसमें एडमिशन लेना उनको बता सकूँ, तो उनके लिए हेल्प
कर देना। अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस गाइज़।